हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी MI 11X मोबाइल है तो कैसे आप अपने फ़ोन में डायल पैड टू उनको इनेबल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही सिखाएंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, व्हाट्सअप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, कीपैड फ़ोन से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद जो है आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको डायल पैड साउंड एंड वाइब्रेटिंग पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सबसे टॉप में डायल पैड टू का ऑप्शन है, ठीक राइट साइड में स्विच है, आपको इस पर क्लिक करके ऑन कर लेना है। तो आप इसी तरह से डायल पैड टू को इनेबल कर सकते हैं। और हमारा वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।